हरित दर, सांस छूटे पर छूटे ना वो घर, बेटी का काशी और काबा बहनी का समझते हैं कि हम कौनो खेत खलियान में काम करने वाले मजदूर हैं जो हमारा स्वागत इस तरह से हो रहा है ससुर? अरे इसी को तो कहते हैं ऊंची दुकान और फीका पकवान। What nonsense are they doing? Such silly emotions? ये रोना धोना सब फेक है and I hate such scenes. अरे रोने धोने में कोई एलिटनेस होनी चाहिए। अकेले नहीं है ना मलकिन, तुमका का लगा? लगता तो आइस है पर भीतर का मरम हम नहीं बता सकते। अरे कोनो मरम की बात नहीं है, सोचने की बात है। इमा कौन गणित की सोचे के चाहिए जो है ना, हमसे हमेशा जो है चढ़े सर में बात करती हो। कहे का मतलब है कि उम्र हो गई है, ये दोनों सुखबुगाहट नहीं है। सुखबुगाहट का बात है तो हो सकत है छुट्टा छुट्टी हो गई। अरे नहीं मकिन, छुट्टा छुट्टी हो जाती ना तो पति से कुछ ना कुछ हरदाना जरूर मिला। ऐसा कुछ दिखता नहीं है। क्या नहीं दिखता है? यही कि हमका लागत है कि इसके पास अपना कुछ नहीं है, सब कुछ यही के है, मायके के। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा ही बताओ, आज के जमाने में कौनो माई बाप अपने जवान बिटिया के अपने घर में बैठा के रखेगा का है? अगर ब्याह हुआ होता ना तो ससुराल वाले कब से विदा करा के ले गए होते। एक निका देखो खूंटा गाड़ के बैठी है। का लागत है कि ब्याह नहीं हुआ है? का कहा तो? अरे हमसे काहे हुंकारी भरवा रहे हो? हम कोनो ब्रह्म ज्ञानी तो है नहीं, अगी भूत भविष्य बताने वाले और ज्योतिष बाबा जो मुंह देखते ही आगा पीछा सब जाने के बैठे हैं, भूत का बुलवाने पे तुल गए। अरे हमको का मालूम कि ब्याह हुआ है कि नहीं हुआ है, अगी बाल बच्चे हैं कि नहीं है। हम तो ना पहले मिले हैं और ना ही तो पहले से जानते हैं। जौन घड़ी आप मिले तभी हम भी मिले। अरे तो तुम इतना भाषणबाजी काहे कर रही? ये देखो भाषण इतनी देर से कौन दे रहा है, हम की आप? और दिमाग का दही और दही का माठा कौन बना रहा है, हम की आप? दिमाग दही माठा है? तुम तो बस जो है ना मुंह से बात निकली नहीं कि मुंह से बस एकदम पकड़ लेती हो, एकदम मुंह नचवा जैसा। क्या कहियो? मुंह नचवा? हम मुंह नचवा है? अरे मुंह नोचवा देख लोगे ना तो मुंह में जबान ही नहीं रहेगा, और ये जो जबान है ना तारू से सच से चिपक जाएगा और मुंह खुला रह जाएगा। धन है आप मालती देवी, धन है। वो कहावत है ना, कहता बाऊ सुनता सरे है। अरे हम का कह रहे हो, तुम का सुन रहे हो? जा हाँ, जा रहे हैं जा रहे हैं, यहाँ बैठ के कपाल थोड़ी नचवाना है। अरे सुनो मेरे चाद ले आओ। पीहर पीहर पीहर। हेलो
बापूजी, बड़े भाई, अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं आप सभी का गुनहगार हूं। अब भैया, भैया आपका तो मैं सपना भी पूरा नहीं कर सका। घर से ये सपना लेकर निकला था कि इस घर को स्वर्ग बनाऊंगा, लेकिन इस घर को ही भूल गया। नहीं तो डॉक्टर बन पाए और ना ही एक अच्छा इंसान। पर भैया आप मुझे क्यों अकेला कर गए? क्यों ऐसी सजा दी मुझे? क्यों अकेला करके दी थी मुझे? चुप कर सागर, चुप कर। तू अकेला कहां है? मैं हूं ना तेरे साथ। देख, जो बीत गया सो बीत गया, अब उसे भूल जा। रो मत, इस तरह अपना दिल छोटा मत कर। दीदी, आज बहुत अफसोस हो रहा है मुझे अपने। बीती बातों पर अफसोस करके क्या फायदा साथ? बस ये याद रख के इस अंधेरे घर में तू रोशनी की किरण बनकर वापस लौटा है। रोशनी तो आई दीदी, पर उससे पहले इतना अंधेरा छा गया कि ये रोशनी भी कम पड़ गई। माँ ये कहते कहते चली गई कि इस घर के आंगन में कभी तो स्वर्ग पलेगा, और भैया का भी यही सपना था कि सब खुश रहे। भैया भी चले गए। बस कर सागर, बस कर। अब और मत रो। मैं हूं ना, तू नहीं जानता, हर साल तेरे नाम की एक राखी भगवान के पास जरूर चढ़ाकर आती थी, सिर्फ इस विश्वास के साथ कि एक ना एक दिन मेरा भगवान इस बहन की आवाज जरूर सुनेगा। दीदी, मेरी कलाई अभी 16 साल से सुनी। तू बोल ना सागर, अब तक लौटकर क्यों नहीं आया? क्यों इतने साल लगा दिए तुमने? तूने एक बार भी ये नहीं सोचा कि घर कैसे चल रहा होगा? इतने सालों तक अपने रिश्तों के बिना तू कैसे जिंदा रहा? शायद तेरे ही इंतजार में अब तक जिंदा थी, तेरे ही हिस्से के आंसू थे जो अब तक सहज के रखे थे। दीदी, दीदी आप प्लीज मत रोइए। दीदी, आपको रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज दीदी। दुख के आंसू के साथ साथ अभी खुशी के आंसू भी इसमें मिल गए हैं सागर, पर मैं ये आंखें तो तेरी राह देखते देखते पथरा ही गई थी। भैया अक्सर तुझे याद करते थे और तेरी याद में रोते रहते थे, और जब भी उन्हें पकड़ती थी और बोलती थी ना, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो, तो झूठ बोलते थे। बोलते थे कि शायद मेरी आंखों में कुछ कचरा चला गया है। तेरी बहन मुझसे बहुत प्यार करते थे। उसमें तो उसकी सांसें बसती थी, और तेरे बारे में कोई भी कुछ बुरा बोलता था ना तो उनसे सहन नहीं होता था। भैया को बहुत मिस कर रहा हूँ। भैया तो मेरे लिए भी बहुत बड़ी ताकत थे सागर। मेरी अगर हिम्मत थी तो सिर्फ भैया। उनके जाने के बाद तो जैसे इस घर में सन्नाटा सा छा गया। हाँ दीदी, मैं समझ सकता हूँ कि अकेलेपन का एहसास क्या होता है, खासतौर पर तब जब एक एक करके सब अपनी आंखों के आगे से चले जाते हैं। लेकिन फिर भी मैं जीती रही सागर, टूटती रही, बिखरती रही, तेरे आने के इंतजार में आस भी टूट गई थी। लेकिन जब ज्यादा अंधेरा होता है ना तो कहीं ना कहीं उजाला आ ही जाता है। भगवान ने सब कुछ लेने के बाद इस निराशा को आशा में बदलने के लिए तुझे रोशनी की किरण बनाकर वापस भेज दिया।
ताकि इस घर की सासी हमेशा चलती रहे। मेरा काम कर। इफ यू वॉन्ट टू लिव विद मी ना, देन डू मी दिस फेवर। क्या फेवर करना है दी? प्लीज शट योर माउथ। मुंह बंद रखूंगी तो बोलूंगी कैसे? और फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या फेवर करना है? You better be silent, huh? And don't irritate me, okay? मैं कहाँ इरिटेट कर रही हूँ? आप तो खुद ही इरिटेट हो रही हैं। हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। मैं डिस्टर्ब्ड हूँ। ये तो वही बात होगी आसमान से गिरे और खजूर पे अटके। यहाँ कहीं आराम नहीं कर सकते। ये कबूतर खाना है। कबूतर खाना? क्या बात है? दीदी, मुझे तो तुम किसी कबूतरी से कम नहीं लग रही हो। ऊपर वाले ने भी क्या जोड़ी बनाई है, जीजाजी कबूतर और तुम कबूतरनी। गुटरंग, प्लीज स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। तो मेरा दिमाग गर्म हो रहा है। आई एम गोइंग टू किल यू। ओके 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 मिसेस सोनिया। ओ क्रैप। सोच लो, तुम्हारी बहन हूं। Oh yeah? एक तो मुझे इतना पसीना आ रहा है, it's too hot. I'm sweating, यार. मेरा मुंह क्या देख रही है? जाके पंखा ऑन कर। मुझसे कुछ कहा क्या? Yes, I'm telling you, switch on the fan. Okay, okay, बाबा। क्या कर रही हो सोना? दिए फैन चालू नहीं हो रहा है। हाँ? देखो यहाँ पे कहीं स्विच होगा। हाँ, एक मिनट देखती हूँ। उस तरफ होगा, चेक कर। हाँ ये रहा। अब तुम्हारा फैन ऑन, बी हैप्पी। सोनम नहीं नहीं स्टार्ट हुआ। फैन ऑन नहीं हो रहा है। सुनो, व्हाट आर यू डूइंग? दी, मुझे लगता है फैन खराब है। दी, कुछ प्रॉब्लम है, नहीं चालू हो रहा है। पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। दी, फैन ही खराब है। ओह माय गॉड, नो 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 नो, आई कैन लिव इन दिस हेल। मैं यहाँ नहीं रह सकती। आई एम लीविंग। This is such a shit place. Oh God. Relax. सोना, कहाँ सागर? मैं यहाँ नहीं रह सकती। Cool down. भी हम कुछ करते हैं। नहीं। Just cool down. मुझे जाना है वापस। Just cool down, यार। Oh, ये सड़ी सी जगह, मेरा दिमाग यहाँ सड़ जाएगा। Come on, be relax. Try to understand. Okay, हम कुछ करते हैं। Okay, मैं जीजू को बुलाती हूँ, ठीक है? Okay, just relax. ऐसा लगता है दीदी, समय बदल गया है, लेकिन जिंदगी वहीं की वहीं है, एकदम ठहरी हुई सी। नहीं, मुझे अब यकीन हो गया है कि इस घर की दशा बदलेगी। ये घर जिसे मैं खंडर मान चुकी थी, तुम सबके आने के बाद बदल गया है। जैसे अचानक इसमें रोशनी सी आ गई। वरना इस घर को हड़पने के लिए तो कितने लोग आंखें गाड़ कर बैठे। पर दीदी, गांव के लोग ऐसे तो नहीं थे पहले। वक्त के साथ साथ लोग बदल जाते हैं और उनकी सोच भी।
इस घर इस मकान को लेकर रोज कोई ना कोई महाभारत तो जरूर होती है। हाँ दीदी, और वैसे भी आजकल लोगों में पैसों की भूख ज्यादा ही बढ़ गई है। हाँ, गांव का साहूकार आया था, कह रहा था कि ये मकान बेच दो, मुंह मांगी कीमत देगा, और ये भी कह रहा था कि इतने बड़े घर में मैं अकेली क्या करूंगी। पर दीदी, आपको इतना बड़ा घर संभालने में परेशानी तो होती होगी ना। मुश्किल तो होती थी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना सागर कि माँ बाबूजी की आखिरी निशानी बेच दू। दीदी, वैसे आजकल यहाँ पे प्रॉपर्टी के रेट्स भी बहुत बढ़ गए होंगे। मुझे नहीं पता, जानना भी नहीं चाहती, मुझे उससे क्या लेना देना। अब तू आ गया है, अब लोगों का मुंह बंद हो जाएगा। हाँ दीदी, अब मैं आ गया हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। वैसे भी आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं। जानता है सागर, जब उस घर में एकदम अकेली थी ना, तो दम घुटता था यहाँ, लगता था कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहीं चली जाऊं। लेकिन अब तू आ गया है ना, तो अब पूरी उम्मीद है कि इस घर की खुशियां वापस लौट आएंगी, जो हमसे मुंह मोड़कर चली गई थी। अब इस घर का चिराग जो लौट आया है। मैं आपकी तकलीफ समझ रहा हूं दीदी, अब मुझे राहत मिली है, जैसे डूबती नैया को माझी मिल गया हो जो पार लगा देगा। सागर, अब तो यहीं रहेगा ना, यहां से कहीं जाएगा तो नहीं? नहीं, हम यहां नहीं रुक सकते, हम एक भी दिन यहां नहीं रुकेंगे, हम यहां नहीं रहने वाले। सिकोड़ती रहती है, कितना प्यारा व्यू है। वाह, और ये बेडरूम हमारे पुराने वाले बेडरूम से तो बड़ा ही है। दूर तक लहराते खेत, कितना खूबसूरत नजारा है। इसे देखते तो रोज दिन की शुरुआत खूबसूरत होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। ये लो, शुरुआत अच्छी हो गई। इसका फोन आ गया। हेलो। हाय मेरी जान, तेरा पीछा न छोड़। हमारी आवाज कानों में पड़ते ही कलेजा तर हो जाता है। बकवास बंद करो, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि फोन मत किया करो मुझे। कौन परेशान कर रहा है? वो तुम्हारा कुसट बाप, उसको बोल दो कि हम दोनों आशिकों के बीच में ना आए, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। I said shut up, बकवास बंद करो। मैंने तुमसे कहा ना? अरे आपने कुछ कहा? माफ कर दी, आपने ठीक से सुना नहीं, दोबारा से कहिए ना, अच्छा लगता। लेकिन मुझे तुमसे बात करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अरे बात करने को कौन गधा कह रहा है, बस वो कह दीजिए जो लैला ने मजनू से कहा, हीर ने रांझा से कहा था, बस तीन शब्द के तलबगार हैं, बोल दीजिए ना। एक बार अपने मुंह से कह दीजिए आई लव, सारी जिंदगी गुलामी करेंगे आपकी। मैं
मैंने कहा बकवास बंद करो अपनी। अरे, आपके प्यार में पागल आदमी बकवास ही करेगा ना, उसको कहाँ होश है दुनिया। देखो मैं तुम्हारी दुनिया से बहुत दूर आ गई और अब मेरा पीछा बंद करो। चाहे जितनी दूर चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में हम तुमको खोज ही निकालेंगे, तुम्हारा पता लगा लेंगे। ओह गॉड, जिससे बचकर यहाँ आई थी वो अब भी पीछे पड़ा हुआ है और यहाँ तक कह रहा है कि इस घर का भी पता ढूंढ निकालेगा। मैं क्या करूँ?